दोस्तों, बहुत से व्यूवर्स के मन में ये सवाल रहता है कि हमें 5G फोन देखने को कब मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि बहुत जल्द हमें 2019 के अंदर ही 5G फोन देखने को मिलने वाला है। और अगर आपने एक नया फोन लेने की तैयारी कर रखी है, अगर आप बहुत जल्द एक नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मेरा 4th नंबर और 5th नंबर जो फोन आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही बजट के अंदर मैं आपके साथ कुछ 5G फोन यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। फिर ऐसा ना हो कि कहीं आपके मन में ये पछतावा रहे कि कुछ टाइम बाद अगर हम एक फोन लेते तो शायद हमें 5G का वेरिएंट देखने को मिल जाता। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी बारे में कि हमें 2019 के अंदर कौन कौन से 5G सपोर्ट के फोन देखने को मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड गुरु जी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 2019 के अंदर मिलने वाले कुछ 5G फोन्स की, तो सबसे पहले यहाँ पर नाम निकल गया था नोकिया का। नोकिया की तरफ से हमें बहुत जल्दी 5G का वेरिएंट देखने को मिलने वाला है। अब इसकी सीरीज क्या होगी, क्या होगा इस फोन का नाम, ये अभी तक कुछ भी इसके बारे में डाटा नहीं आ पाया है। लेकिन एक बात श्योर है कि नोकिया की तरफ से हमें बहुत जल्द 2019 के अंदर ही हमें 5G का वेरिएंट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगला अगर हम बात करते हैं अगले 5G फोन की, तो OnePlus की तरफ से हमें 5G फोन देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि OnePlus 7 नाम से या फिर OnePlus 7T नाम से जो है OnePlus यहाँ पे मार्केट के अंदर लेके आने वाला है फोन को। लेकिन जिन्होंने अभी OnePlus 6T लिया है उनको भैया 4G ही मिलेगा यहाँ पे, उनका अपग्रेड वर्जन 5G के अंदर यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो उम्मीद है कि जो OnePlus की तरफ से जो 5G फोन आने वाला है वो शायद OnePlus 7 या OnePlus 7T के नाम से आ सकता है, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है इसके बारे में। लेकिन ये मैं फाइनल आपको बता दूं कि जिन फोन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उनका 5G वेरिएंट आना 100% श्योर है, लेकिन उनकी सीरीज क्या होगी, उनका नाम क्या होगा, वो सिर्फ एक लिखे जाए अभी तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओप्पो की तरफ से भैया ओप्पो पीछे नहीं है अपने 5G फोन के अंदर, और बहुत जल्द आपको ओप्पो की तरफ से 5G का वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। और अभी तक के जो लीकेज है उनके अकॉर्डिंग ओप्पो R19 नाम से आपको यहाँ पे फोन देखने को मिलने वाला है 5G का। अब अगर भैया ओप्पो अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो वीवो कहाँ पीछे रहने वालों में से है। वीवो की तरफ से भी आपको एक 5G फोन देखने को मिलेगा। वीवो अपनी X सीरीज को लेके जो काम कर रहा था पहले, उम्मीद है कि X सीरीज के अंदर ही वीवो अपना एक 5G का फोन यहाँ पे मार्केट में उतारने वाला है। ओप्पो और वीवो के अंदर मैं आपको बता दूं कि बजट के अंदर आपको यहाँ पे फोन मिलने वाले हैं 5G के अंदर। तो उम्मीद है कि जो लोग अभी अपना एक नया फोन लेने की सोच रहे हैं उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे 5G के लिए वेट करना चाहिए। अगला अगर हम यहाँ पे अपडेट निकल के आता है आप सबका बहुत प्यारा जो एक ब्रांड है रेडमी का, रेडमी की तरफ से MI Mix 3 नाम से एक अपडेट आया है कि वो शायद बहुत जल्द अपना 5G का वेरिएंट मार्केट में लेके आएगा, और वो आएगा MI Mix 3 के नाम से। तो शायद जो रेडमी लवर्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद आपको बहुत जल्द यहाँ पर अब विदिन 2 or 3 months आपको यहाँ पर रेडमी की तरफ से 5G का फ़ोन देखने को मिल जाएगा अभी तक की अपडेट के अकॉर्डिंग। अगला अगर हम 5G फोन की बात करें तो सैमसंग भी भैया यहाँ पीछे नहीं है। हालांकि सैमसंग ने अपने M10 और M20, S10 वगैरह जो फोन अभी निकाले हैं उनके अंदर आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनके अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है 4G का सपोर्ट। लेकिन सैमसंग अपनी एक नई सीरीज लेके आएगा और उसको वहाँ पे वो अपडेट करेगा यहाँ पे 5G के अंदर। तो उम्मीद है कि सैमसंग जो है अपनी 5G को जो 5G जो नेटवर्क है वो उसको बहुत जल्दी लेके आने वाला है यहाँ पर। और जो सैमसंग का जो S10 आपको मिलेगा भैया वो एक ठीक ठाक सा फ़ोन है, फ्लैगशिप फ़ोन है, लेकिन वो आपको यहाँ पे 4G के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगर आपको चाहिए सैमसंग का 5G फ़ोन तो यहाँ पर आपको वेट करना होगा एक नई सीरीज के लिए। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो मोटोरोला कंपनी है मोटो Z3 नाम से जो फोन आ रखा था उसी को अपग्रेड करके यहाँ पर आपको 5G का वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थे कुछ फोन जो 5G के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं 2019 के अंदर। लेकिन जो बाकी कुछ कंपनीज हैं जैसे कि LG हो गई या फिर हम बात करते हैं Realme की, ये कंपनी भी बहुत जल्द अपने 5G को लॉन्च करने वाली है, उम्मीद चल रही है इनकी। सोनी की भी तरफ से अपडेट आ रहा है कि वो भी बहुत जल्द अपना 5G का फोन अपडेट करने वाली है, लेकिन इनका कुछ भी फाइनल अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये फाइनल है कि 2019 के अंदर आपको बहुत से उम्मीद है कि 10 से 12 तरह के आपको यहाँ पे फोन जो है 5G के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने तो दोस्तों ये थे कुछ 2019 में आने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन जो आपको मिलने वाले हैं 5G के सपोर्ट के साथ में। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने कोई नया फोन लेने का प्लान कर रखा था तो शायद आप वेट करेंगे 5G के लिए, क्योंकि एक बजट के अंदर आपको यहाँ पे 5G का वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप अभी एक नया फोन लेते हैं और कुछ टाइम बाद आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल रहा है
तो शायद यहाँ पर एक पछतावे वाली बात हो सकती है कि हम अगर थोड़ा सा वेट करते तो हमें शायद यहाँ पे 5G का वेरिएंट हमें देखने को मिल जाता। तो ये थे 2019 में आने वाले कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। तो जिन व्यूवर्स ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही टेक्नोलॉजी की वीडियो डेली लेकर आता रहता हूँ।